नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब कोलकाता निगम चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि उन्हें पटकनी देना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी जैसी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। आज टीएमसी ने केएमसी चुनावों में 144 सीटों में से 134 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की, जिसके बाद तो मानो बंगाल में टीएमसी का रुतबा बुलंद हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी जैसी पार्टी यहां सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई, जिससे साफ हो गया कि बंगाल में कोई मोदी मैजिक नहीं चलने वाला। 144 वार्डों में 134 वार्डों पर टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, कांग्रेस को 2, वाम मोर्चा को 2 और निर्दलीय ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। दीदी, आपके लिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है और बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो 2 डिजिट भी नहीं ला पाई, लेकिन आपकी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की आज, कैसे देखते हैं? हमारा पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री इसी के लिए है कि हम सॉन ऑफ द सॉयल है, डॉटर ऑफ द सॉयल है। हम लोग लैंड में ही काम करते हैं, हम आसमान में काम करने का तरीका नहीं बताते हैं। हम जो करते हैं वो बोलते हैं। एक काम करते हैं, कलकत्ता आप देखो कितना बढ़िया हो गया है, आने वाला दिन भी जो भी काम बाकी है फिर हम करेंगे। और कलकत्ता इज नाउ द सेफेस्ट सिटी एंड आई वांट टू सी दैट ब्यूटीफाई कोलकाता। वी हैव ऑलरेडी ब्यूटीफाइड द डेवलपमेंट, नाउ माई इंटेंशन इज टू सी दैट अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया एंड विलेज एरियाज ऑल इज टू बी डेवलप्ड। वहीं वार्ड 22 और वार्ड 23 में बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यहां से खड़े बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने के बाद क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जनता के 20-25 साल से रह रही हूं और जनता ने सहयोग समर्थन और मत दिया है और इसलिए आज उनकी जय हुई है। ये जनता की जय है, कार्यकर्ताओं की जय है। कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंत तक लड़े हैं और इसलिए उनकी जय है। 3,011 वोट से लीड हुए हैं और ये सेवा का भाव, सेवा का भाव, सहज उपलब्ध और सहज व्यवहार की जीत है। ये वार्ड नंबर 23 की जीत है, वार्ड नंबर 23 की जनता की जीत है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस समेत राज्य के सभी विपक्षी दलों ने केएमसी चुनाव को तमाशा कहा है। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि क्या ये वोट है, ये एक तमाशा है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। त्रिपुरा में उनके पास उम्मीदवार नहीं था, यहाँ उन्होंने वोट देने की अनुमति नहीं दी। वहीं इस जीत ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की तुलना फिर से शुरू कर दी है। टीएमसी ने भी इस जीत को एक अलग नजरिए से त्रिपुरा ले जाने की योजना बनाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।